और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी मिल गई है। तो कोर्ट पर फैसला आना था सर्वे को लेकर, और अब खबर मिल रही है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की कही जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हमने देखा कि ज्ञानवापी में किस तरह से सर्वे को इजाजत मिली थी, सर्वे का काम वहां पर चल रहा है, और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी लेकर सर्वे को मंजूरी मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस बड़े फैसले पर मुहर लग गई है कि अब यहां पर सर्वे होगा। दोनों पक्षों को सुना गया है कोर्ट में, और इसके बाद फैसला लिया गया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी मिल गई है। हाईकोर्ट की तरफ से बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या हुआ कोर्ट में, जरा बताइए। ये सबसे बड़ा समय की यही कि मथुरा की भूमि और ईदगाह मस्जिद जो बात था उसको लेकर याचिकाओं पर यहाँ पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट भूमि यहाँ पर ट्रायल कर रही है, और इसी में एक अर्जी दाखिल की गई, और ये अर्जी दाखिल की गई थी श्री विराजमान और जो इसमें लीडिंग सूट है रंजना की ओर से, उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने एक अर्जी दाखिल की थी, और ये अर्जी सर्विस रूल 9 के तहत दाखिल की गई थी, और इस अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। 3 एडवोकेट को कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। उस अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। तब तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने 16 नवम्बर को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। इसमें हालांकि ईदगाह मस्जिद और इसके साथ साथ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस अर्जी का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने इसको आर्डर 26 रूल 9 में जो अर्जी दाखिल की थी उसको मंजूर कर लिए। तो इस तरह से एक बड़ी चीज है ये। बिल्कुल, श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी मिल गई है, बड़ी जीत है। हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ने इसको लेकर याचिका दायर की थी, और ये मेन सूट था जिस पर आज मंजूरी मिली है। लेकिन क्या सर्वेश, ये बताया गया है कि ये जो सर्वे का काम शुरू होगा कब से शुरू होगा, कुछ डेडलाइन रखी गई है इसे लेकर? देखिए, अभी ये ऑर्डर डिलीवर हुआ है, जैसे ही जजमेंट आएगा, इसमें विस्तृत जजमेंट आने के बाद कई पेज का होगा, उसको पढ़ने के बाद ही इस बात की जानकारी होगी कि कौन कौन इसमें वकील हैं, इनको इसमें कोर्ट कमीशन नियुक्त किया गया है, कब वो जाएंगे, किस तरह से मथुरा का जो जिला प्रशासन है उनकी मदद करेगा, और उसके बाद वो अपने वहां पर सर्वे का कार्य पूरा करेंगे, और सर्वे को करने के बाद किस तरह से जो है वो अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेंगे, ये बड़ी बात है। और अब कुछ हाईकोर्ट में वकील बाहर आ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हाईकोर्ट के वकील जो है वो अंदर से बाहर आए हैं। एक बड़ी जीत है, और इस समय जो है अपना वो फाइट देने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी यहाँ पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी मिल गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस बड़े मामले पर बड़ा फैसला आया है, सर्वे को मंजूरी मिल गई है। हालांकि सर्वे का प्रारूप क्या होगा, कोर्ट कमिश्नर कौन बनाया जाएगा, सर्वे कब तक मुकम्मल करना है, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से थोड़ी देर बाद जानकारी सामने आएगी जब ऑर्डर की कॉपी मिलेगी। लेकिन हमारे सहयोगी सर्वेश बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में जानकारी सामने आ गई है कि सर्वे को मंजूरी मिल गई है। हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि जिस तरीके से काशी में ज्ञानवापी का सर्वे हुआ उसी तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को भी मंजूरी दी जानी चाहिए, यहाँ पर शाही ईदगाह में सर्वे को मंजूरी मिलनी चाहिए ताकि सच सामने आ पाए। और आखिरकार कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज कोर्ट का फैसला आ गया है, कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि सर्वे क्या उसी पैटर्न पर होगा जिस तरीके से काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी में सर्वे हुआ था, या फिर यहां पर सर्वे का प्रारूप कुछ और होगा, कोर्ट कमिश्नर कौन नियुक्त किया जाएगा, कितने दिनों में सर्वे को मुकम्मल करना है, किन किन बिंदुओं पर सर्वे करना है, थोड़ी देर बाद ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सभी पक्षों के वकील धीरे धीरे अपनी बात भी रखेंगे, और जैसा कि हमारे सहयोगी सर्वेश बता रहे थे कि विष्णु शंकर जैन, उनकी तरफ से भी एक याचिका दाखिल की गई थी, थोड़ी देर पहले ही वो हाईकोर्ट से बाहर आए हैं, मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। हम आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है इस फैसले पर। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यही है कि जिसका इंतजार यहाँ पर कृष्ण भक्तों को था, जो कि लंबे समय से मांग कर रहे थे कि शाही ईदगाह का सर्वे होना चाहिए, उनका इंतजार समाप्त हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हाँ, हम सर्वे को मंजूरी दे रहे हैं।
बिल्कुल, और इसी पर बातचीत करने के लिए नितिन गौतम मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि मथुरा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है। नितिन, आज जो फैसला आया है, अब सर्वे को मंजूरी मिल गई है, जिस तरह से हिंदू पक्ष लगातार कहता रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सर्वे कराइए, आज इस बात को मंजूरी मिल गई है हाईकोर्ट की तरफ से। जी देखिए, कहा जा सकता है कि हिंदूवादी जो संगठन है, जो हिंदूवादी लोग हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अभी तक अयोध्या और काशी से जो उनकी उम्मीद जगी थी, उसके बाद उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी अदालत का वही रुख होगा और अदालत सर्वे का जो है फैसला देगी। इसी प्रयास के लिए जो हिंदूवादी नेता थे, हिंदूवादी जो विचारधारा के लोग थे, उनके द्वारा बात दायर किए गए थे और करीब 18 मामले जो है मथुरा जिला न्यायालय में चल रहे थे और प्रत्येक बात में ये बात कही जा रही थी, ये मांग अदालत से की जा रही थी कि जो 13.37 एकड़ भूमि है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि है, जिसका कर भी नगर पालिका में श्री कृष्ण जन्म स्थान के द्वारा भरा जाता है, वो भूमि जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान को मिलनी चाहिए, वापस मिलनी चाहिए, जो विवादित जगह है उसका जो है सर्वे किया जाना चाहिए, चाहे वो अगर बात करें तो कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए, चाहे वह पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए। इसी को लेकर लगातार जो हिंदूवादी संगठन थे उनके द्वारा मांग की जा रही थी, अदालत से मांग की जा रही थी, लेकिन मथुरा न्यायालय में इस पर कोई फैसला नहीं आ सका था। लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक अहम फैसला आया और उस फैसले के बाद जो मथुरा के साधु संत हैं उनमें खुशी की लहर है। हमारे साथ कुछ साधु संत, उनसे हम बात करेंगे। जी महाराज जी, बड़े दिन का इंतजार था, सालों से आप इंतजार कर रहे थे, आज फैसला आ गया है, क्या कुछ कहेंगे अदालत के इस फैसले पर? देखिए, अयोध्या हुई हमारी, काशी में है कसमकस जारी, अब है मथुरा की बारी। तो हमें बहुत अच्छे से ज्ञात है कि सत्य की स्थापना हो चुकी है और न्यायपालिका के द्वारा जो पुनः सत्य की स्थापना की जा रही है, वो हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत जल्द हमारे केशव देव ठाकुर जी का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। हम आशा करते हैं कि माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा, सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। लगातार आप मथुरा न्यायालय से प्रयास इस बात का कर रहे थे कि जो सर्वे की बात सामने आई है, सर्वे किया जाना चाहिए, साथ ही 13.37 एकड़ जो भूमि है, जो श्री कृष्ण जन्म स्थान की है, उसको लेकर भी अदालत का फैसला आना चाहिए, लेकिन बात बहुत मामला नहीं हो पाया। अब इतने लंबे समय के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से उम्मीद जमी है, क्या मांग और करते हैं, क्या और होना चाहिए? देखिए, पहले तो प्राथमिक ये है कि सर्वे होना चाहिए और सर्वे के साथ साथ जब जैसा भी जो तथ्य पाए जाए उसके आधार पर तत्काल निर्णय दे देना चाहिए माननीय न्यायालय को, और जिससे, क्योंकि अब बहुत विलंब हो चुका है, अब हम और सहन नहीं कर पाएंगे, माननीय न्यायालय को जल्द से जल्द इस पर निर्णय देना चाहिए। तो देखिए, कुछ जो हिंदूवादी नेता थे, साधु संत थे, उनसे हमने बात करी। अब हमारे साथ एक याचिकाकर्ता है जिन्होंने लगातार, अगर हम बात करें तो दिनेश कौशिक हमारे साथ हैं, जिन्होंने प्रण कर रखा है कि सबसे पहले उन्होंने प्रण लिया था कि वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक सर्वे की बात नहीं हुई। हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बड़ी खबर आई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है, शाही ईदगाह का सर्वे होगा, इसकी मंजूरी मिल गई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये सत्य के अन्वेषण में माननीय न्यायालय का ये थप्पा है कि आखिरकार ये देश सच्चाई के साथ चलता है, सत्य के साथ चलता है। भगवान राम की जो जन्मभूमि जिस तरह से मुक्त हुई है उन जिहादियों, आतंकियों और विदेशी आक्रांताओं के चंगुल से, उसी तरह से ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी मुक्त होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो देखिए, न्यायालय ने अभी जो निर्णय दिया है वो सिर्फ सत्य के अन्वेषण के लिए दिया है। समझ में नहीं आता कि लोग सत्य के अन्वेषण से क्यों भागते हैं। भारत जैसे देश में अक्सर कोई कब तक कितना छुपेगा, कब तक कितना बचेगा, और झूठ का लबादा ओढ़ करके कितने दिन तक रहेगा, ये इस बात को साबित करता है कि माननीय न्यायालय ने जिस तरह से उसका जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है जी, वो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक प्रशंसनीय काम है और सच्चाई को बाहर लाने के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। हमें आशा है कि इस निर्णय से आगे की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो और दुरुस्त और आसान और दुरुस्त हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और नितिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, यही कहा जा रहा है कि अयोध्या का काम जो हमने ठाना था वो पूरा हो गया हिंदू संगठन की तरफ से, फिर बारी आई काशी की, काशी में भी इस वक्त लड़ाई लड़ी जा रही है, और अब बारी थी मथुरा की, जिसकी एक कदम की दूरी पर जीत थी, वो अभी पहला कदम कहा जा रहा है, और उस कदम पर जिस तरह से मुहर लगी है, सर्वे का काम शुरू होगा तो बहुत सारे तथ्य बाहर आएंगे, उसको लेकर बहुत खुशी है। और आप साधु संतों से बात भी कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि हमारी जो मांग लगातार रही है, इसको लेकर जो मुस्लिम संगठन है या जो मुस्लिम जो याचिका करता है, उनको आखिर दिक्कत कहां हो रही है, वो अगर चीजें सर्वे हो जाएंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो भी विवाद है वो खत्म हो जाएगा, तो इसको लेकर एक बड़ी पहल कही जा सकती है और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कहा जा सकता है।
जी देखिए, अगर हम बात करें तो आज ये पहली सीढ़ी है जिस सीढ़ी के माध्यम से जो सर्वे की बात सामने आई है। सर्वे का जो है अब शाहिदगाह का सर्वे होगा, ये जरूर पहली सीढ़ी है, लेकिन ये सीढ़ी जो है जो सनातनी थे, जो हिंदूवादी संगठन थे, उनको मंजिल तक ले जाएगी, इतना तय है। अगर हाईकोर्ट के आदेश पर अब जो है सर्वे शाहिदगाह का होता है, हमारे साथ कुछ साधु संत हैं, उनसे हम बात करेंगे। लगातार आप मुस्लिम पक्षों से मांग कर रहे थे और बात कर रहे थे कि समझौते के आधार पर इसका भी डिस्पोजल होना चाहिए, जिस तरीके से अयोध्या और काशी का हुआ था। तो क्या मुस्लिम पक्ष से आपकी बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा था? देखिए, अयोध्या के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को काशी और मथुरा पर तो बैठकर समझौता कर लेना चाहिए था, क्योंकि देश एक है और वहाँ मुसलमानों को भी सोचना चाहिए था कि ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो शाही एक ही बात, जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7-11 एप्लीकेशन शुड बी डिसाइडेड फर्स्ट एंड एडवोकेट कमीशन शुड नॉट बी डिसाइडेड, दैट आर्ग्यूमेंट हैज बीन रिजेक्टेड। द कोर्ट हैज इन प्रिंसिपल एग्रीड विद आवर डिमांड दैट एडवोकेट कमिश्नर मस्ट बी इशूड। हु विल बी द एडवोकेट कमिश्नर, वेदर विल बी अ 3-member पैनल, व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ एडवोकेट कमिश्नर, व्हाट विल बी द मोडालिटीज, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड ऑन 18 December। माई डिमांड वॉज दैट इन दिस शाहिदगाह मस्जिद देर आर लॉट ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स ऑफ हिंदू टेम्पल, एंड टू नो द एक्चुअल फैक्चुअल पोजिशन एंड एडवोकेट कमिश्नर पैनल इज रिक्वायर्ड, एंड देयरफॉर द ऑनरेबल कोर्ट हैज एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन, अलाउड माई एप्लीकेशन, एंड दिस ऑर्डर हैज बीन पास टुडे। यस, इट्स अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट बाय द ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट। शंकर जैन को सुन रहे थे आप, जिनका यह कहना था कि हमने ये मांग की थी कि सर्वे को मंजूरी मिले और कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है, अब कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे आगे बढ़ाया जाएगा। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। राजू दास जी, आपका पहला रिएक्शन हाईकोर्ट ने जिस तरीके से मंजूरी दे दी है शाहिदगाह के सर्वे को लेकर? पहले तो साधुवाद देते हैं, हाईकोर्ट को धन्यवाद है। हाईकोर्ट ने जो शाहिदगाह के लिए जो सर्वे के लिए जो अनुमति दिया है, सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। कितने वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था, इस सर्वे से इश्यू ये हो जाएगा कि जिस प्रकार से आपत्ति लोग बता रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए नहीं, तो सर्वे से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिए अयोध्या के मामले को आप देख सकते हैं, सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, उसे कानूनी तौर पर जो पक्षकार हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के लिए कोर्ट में थोड़ा सा जज साहब को लिए भी अच्छा रहेगा कि उसमें जो जब सर्वे होगा, तो इसके नाते बहुत बहुत साधुवाद है और गर्व की बात है कि अब भगवान कृष्ण को भी न्याय मिल जाएगा, जैसे भगवान राम को न्याय मिला है, वैसे भगवान कृष्ण को भी न्याय मिलेगा। एक सवाल बार बार पूछा जाता है राजू दास जी कि अगर मुस्लिम पक्ष को लगता है कि नहीं वहां पर किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं था, चाहे हम काशी की बात करें या फिर मथुरा की बात करें, तो फिर उनको सर्वे से दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? यही सवाल काशी के केस में भी पूछा जा रहा था, यही सवाल यहां भी पूछा जा रहा है। क्या उनको इस बात का डर है कि सच सामने आ जाएगा? इसीलिए हम कह रहे थे ना, देखिए काशी में जो हम लोग कार्बन डेटिंग और सर्वे की जो मांग कर रहे थे, हाँ, इससे वहां पर भी डर रहे थे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनको ये डर है, इसलिए डर है क्योंकि वो लोग शुद्ध रूप से चोर हैं। आक्रांताओं ने जिस प्रकार से हमारे मंदिर को तोड़कर वहां पर शाहिदगाह बना लिया, वहां पर मस्जिद बना लिया, तो उनको ये डर है कि ऐसे तो हम जला ले जाएंगे कि ये कागज नहीं, वो कागज नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। वो शाहिदगाह मस्जिद है, उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 गा। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मॉडेलिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे? देखिए, मैं एक वकील हूँ और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए, और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय कि किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिससे जिसके लिए स्पॉट पोजिशन तय करना बहुत जरूरी है। सर,
तो वकील विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे आप। उनका कहना था कि हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि सर्वे से ही सच सामने आएगा, और जैसा हमने काशी के केस में मांग की थी वही मांग हमने यहां मथुरा के केस में भी की थी, और हमारी मांग को मान लिया गया है। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि हाँ, कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे होना चाहिए। बहुत जल्द वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किसकी अगुवाई में सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर किसे नियुक्त किया जाएगा, और साथ ही साथ कितने एरिया में सर्वे किया जाएगा, कितने समय में सर्वे किया जाएगा, सारी तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। और स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि एक शब्द अक्सर सुना करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब बदल जाएगा कि बोले कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, माखन मिश्री खाएंगे और जय श्री कृष्ण। विनय शर्मा, पहले ये कहा है उन्होंने कि हम पहले सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पे सुनेंगे जनभूमि वाले पक्ष को, उसके बाद 7/11 की जो एप्लीकेशन मेंटेबिलिटी पे सूट की, उसके बाद उसको सुना जाएगा। पहले सुना जाएगा सर्वे कमीशन की एप्लीकेशन पे। 18 तारीख नेक्स्ट डेट लगाई है हेयरिंग की इसमें, और विपक्ष की तरफ से विपक्ष ने इसमें यह एतराज किया कि इसमें साहब कि हमें इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दिया इस ऑर्डर अगेंस्ट, तो कोर्ट ने कहा है कि आपके लिए खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, प्रोविजन है, जा सकते हैं ये साहब चाहें। तो नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग है 18 दिसंबर की डेट लगा दी कोर्ट ने। 18 दिसंबर को पहले सर्वे के लिए डिसाइड होगा सर्वे कमीशन के, उसके बाद 7/11 की एप्लीकेशन विपक्षी की सुनी जाएगी ईदगाह वालों की। बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की, कोर्ट कमीशन हो, हम लोगों का मानना ये है कि जैसे पहले आक्रांताओं ने आके जो कब्जे किए हैं जमीनों पे, जैसे मंदिरों पे, मस्जिदों पे, जो भी किए हैं मंदिरों पे, तो उसी का हम लोगों ने बड़ी जीत है कि पहले सर्वे होके ये पता चले कि ये प्राचीन जो भी चीज़ें हैं नीचे दबी हुई हैं, वो बाहर आए, उससे ये पता चला है किसका इस पर किसका वो है इस पर। जी, मैं विनय शर्मा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि की तरफ से अधिवक्ता उच्च न्यायालय, हिंदू पक्ष लिए। तो सभी पक्षकारों के वकीलों का रिएक्शन लगातार सामने आ रहा है। 18 दिसंबर को अगली तारीख लगी है, 18 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा कि कोर्ट कमिश्नर किसे नियुक्त किया जाएगा और सर्वे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन के पास चलेंगे, लेकिन स्वामी दीपांकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी दीपांकर जी, 18 दिसंबर को यह तय होगा कि सर्वे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, आप लोगों को लग रहा है कि सर्वे से ही बात बन जाएगी, या जिस तरीके से एएसआई सर्वे हो रहा है काशी विश्वनाथ में, ज्ञानवापी में, उसी तरीके का सर्वे यहां भी चाहते हैं पूरा सच सामने लाने के लिए? मैं समझता हूं कि कम से कम सत्य तो लोगों को दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए कि किसी देश का आराध्य कैसे हम लोगों के अज्ञानता के कारणवश अदालत का हिस्सा बन जाता है, और उसी को पाने में इतना संघर्ष करना पड़े, और वो भी तब जब भारत के तीन प्रमुख या मुख्य देवता हैं जिन्हें हम कहते हैं कि शिव हमारे शीश हैं, राम हमारे प्राण हैं और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। और सोचिए कि उसी प्रज्ञा के लिए हम लोगों को अदालत जाना पड़ता है, अपनी बात कहनी पड़ती है, सर्वे कराना पड़ता है, और फिर कथित भाईचारे की बात भी करनी पड़ती है। मगर फिर भी मैं कहूंगा कि आज कानून की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, आस्था की जीत हुई है, और उस प्रमाण की भविष्य में जीत जरूर होगी जो प्रमाण चीख चीख कर बोल रहे हैं। दीपांकर जी, अब यहाँ पर कानून की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो एक जो बात है बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही है, वो कह रहे हैं कि अगर ये सिद्ध भी हो जाता है कि यहाँ पर मंदिर था, तब भी वर्शिप एक्ट के तहत में यहाँ पर मंदिर नहीं बनाया जा सकता। बहुत सी चीजें बदली जा चुकी हैं कानून के नाम पर, कब बहुत सारे कानून भी खत्म किए जा चुके हैं, मगर एक शब्द अधिकांश हम लोग सुनते थे टीवी पर, पेंट का एड था, बोले कि दीवारें बोल उठेंगे। मैं समझता हूं कि दीवारें बोल उठेंगी, दीवारें बोलेंगी भी, राज खोलेंगी भी, और बताएंगी भी कि आखिरकार ये कृष्ण की जन्मभूमि है, ये कोई मस्जिद नहीं, कोई मॉस्क नहीं, ये मस्जिद नहीं है, ये महाजिद है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी दीपांकर जी, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बड़ी बात यही है कि शाही ईदगाह के सर्वे को मंजूरी मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज इस मामले पर फैसला आया और कोर्ट ने कहा है कि हाँ, सर्वे होना चाहिए। 18 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान ही साफ होगा कि सर्वे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि इन सबके बीच मुस्लिम पक्ष की तरफ से वक्त मांगा गया, उन्होंने कहा कि हमें आगे अपील करने का वक्त मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपके पास वो विकल्प बरकरार है, आप जिस अदालत में जाना चाहते हैं, जहां अपील करना चाहते हैं, आप अपील कर सकते हैं। फिलहाल 18 दिसंबर को एक बार फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि क्या काशी विश्वनाथ
यानी ज्ञानवापी के तर्ज पर ही यहां पर सर्वे आगे बढ़ेगा या फिर यहां पर सर्वे का प्रारूप कुछ अलग होगा। और साधु गीतांबा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साधु जी क्या कहेंगी, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है हाई कोर्ट ने जिस तरीके से सर्वे को मंजूरी दे दी है? बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही सराहनीय है और हमारा इतिहास अब पूरी तरह से क्लीन हो जा रहा है, साफ हो जा रहा है कि मेरे इतिहास में वहाँ हमारा मंदिर था, जन्मभूमि थी और है। और रह गई बात ये, अगर मस्जिद कमेटी वाले कह रहे हैं कि नहीं यहाँ कोई औचित्य नहीं है, तो मस्जिद का जो जमीन होता है वो दान में लेकर के किया जाता है, कब्जे में लेकर के नहीं किया जाता है। और वहाँ किसी ने दान नहीं किया है, लोगों ने कब्जे में जबरदस्ती करके वहाँ पर मस्जिद बनाया है। इसलिए वो अगर हमारा वहाँ जांच होगा तो वहाँ हमारी बहुत सी पुरातन चीजें मिलेंगी, और इसी तरह से अगर कोर्ट साथ देता रहेगा सत्य का, तो हमारा मंदिर वहाँ बनकर के तैयार होगा। और हम लोगों के लिए बहुत खुशी है कि मथुरा हमारा एकदम क्लीन हो जाएगा। हम लोगों के लिए जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो मन में रोना आता है, क्योंकि जो हमारी जन्मभूमि है, जन्मभूमि का बस खाली 10 फुट का रूम दिया गया है, बस 10 फुट, बाकी पर मस्जिद है। तो ये बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही दुख होता है देख करके। और आज भी आप अगर मंदिर के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि मस्जिद के तरफ जाने के लिए दीवार दरवाजा बना हुआ है, जिसको इन लोगों ने ढक दिया है, आज भी वो दरवाजा वहां कायम है। तो ये इस तरह से देख करके ये मन को कष्ट होता है। आज बड़ी शांति मिल रही है कि चलो कम से कम कुछ तो जांच में आगे बढ़ेगा, तो हमारी चीजें तो मिलेंगी, और जब हमारी चीजें मिलेंगी तो न्यायालय हमारा साथ देगा ही देगा। साधु गीतांबा जी, जिस तरीके से हमने अयोध्या के केस में देखा कि बार बार केस को अटकाने भटकाने लटकाने का प्रयास किया गया, और अब वही काशी विश्वनाथ में चल रहा है ज्ञानवापी के केस में, क्या आपकी मांग है, आप क्या चाहती हैं कि कम से कम मथुरा के केस में वो ना हो, फैसला जल्दी आए ये सुनिश्चित किया जाए? बिल्कुल, ये किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा न्यायालय अंधा नहीं है, वो सबूत और गवाहों पर चलता है। मेरे पास पूरा सबूत है, हर तरह से सबूत है, और गवाही के रूप में इनके पास कोई कागज नहीं है, बस खाली ये बकवास करते रहते हैं। मुसलमान जितने हैं बस बकवास करते रहते हैं, तो इनके बकवास का जो है, बकवास कर करके ये टाइम पास करते हैं। इस पर न्यायालय को ध्यान देना चाहिए कि बकवासों पर ध्यान न दे, सबूतों पर ध्यान दे, जो सबूत मिल रहा है उस हिसाब से हमारे साथ न्याय हो। हम बकवास पर अगर ध्यान देंगे तो इसी तरह से लटकता चला जाएगा केस। तो हम न्यायालय से गुहार करते हैं कि इन लोगों के बकवास पर न आवे, सबूतों पर आवे, और सबूतों के आधार पर वो हमें न्याय दे। गीतांबा जी, पहले हिंदू पक्ष की तरफ से बहुत सारी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया कि मस्जिद के नीचे जन्म स्थान है और जब वहाँ पर सर्वे होगा तो पूरी तरह से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब इस सर्वे से आपको कितनी उम्मीदें हैं, क्या आपको लगता है कि ये सर्वे होने के बाद में पूरी चीज़ें साफ हो जाएंगी और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि मस्जिद के नीचे ही कृष्ण का जन्म स्थान है? बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, इसमें कुछ भी मतलब कल्पना का नहीं है, सब सत्य होगा, सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ वहाँ सबूत मिलेगा। जिस तरह से हमारा यहाँ ज्ञानवापी मंदिर जहाँ है वहाँ पर सारे सबूत बोल रहे हैं, फिर भी ये लोग बकवास की वजह से मुकदमा लटकाए पड़े हैं, उसी तरह से वहाँ भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन न्यायालय से निवेदन है कि इनके बकवास पर ना आकर के हमारे सबूतों पर चले तो सब कुछ हमें मिलेगा, वहाँ बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इनके पास बस ढांचा गिरा गिरा करके बनाए हैं और ढांचा का मलवा तक ये लोग नहीं उठवाते हैं। इनके पास इतनी औकात ही नहीं है, बस इनके लठ और मठ वाली स्थिति है कि हमारा लठ हमारा मठ, तो बस वही वाली स्थिति है कि इनका लठ है, इनकी मस्जिद बन गई। हमारे पास लठ चलाने की क्षमता नहीं होती है, हम लोगों को ये सिखाया ही नहीं जाता है कि हम लोग लठ चलाएं, हम लोग फरसा चलाएं, हम लोग फावड़ा चलाएं, ये हमारे यहाँ नहीं सिखाया गया है। हमारे सनातन धर्म में ये कहीं नहीं सिखाया गया है। हमारा ही बर्दाश्त जो है आज वहाँ मस्जिद बन के खड़ा है। अब हमारा जो थोड़ा सा कानून साथ दे रहा है, अगर यहाँ हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता है अगर साथ देंगे तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। वहाँ बहुत कुछ है, ये नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद साधु गीतांबा जी न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक बार फिर से मथुरा चलते हैं, हमारे सहयोगी नितिन वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ कुछ साधु संत भी लगातार मौजूद हैं अभी। और क्या रिएक्शन आ रहा है नितिन वहां पर, किस तरीके से खुशी देखने को मिल रही है और दूसरे पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, बताइए जी। देखिए, अगर हम बात करें तो खुशी की बात आप देख सकते हैं कि खुशी के लिए अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर मिठाई है, लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, और हमारे साथ अधिवक्ता महेंद्र प्रताप हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मांग को उठाया था कि जो शाही ईदगाह है उसका सर्वे किया जाना चाहिए, उन्हीं से बात करते हैं। महेंद्र जी, आपने सबसे पहले मुद्दा उठाया था कि शाही ईदगाह का सर्वे होना चाहिए, आखिर क्या वजह है, क्या वहाँ पे ऐसे साक्ष्य हैं जिसकी वजह से आपने ये मुद्दा उठाया था? देखिए, ये 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण की है,
श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की, और पहले दिन से हम कहते रहे कि ये प्रॉपर्टी सनातन धर्म प्रेमियों की है, ये हमको मिलनी चाहिए। इसी को लेकर के हम 2020 में कोर्ट गए थे और कोर्ट में हमने ये मांग रखी थी कि ये इस जमीन को, पूरी जो जमीन है वो हमको मिलनी चाहिए, और जितने भी साक्ष्य हैं, अब कोर्ट कमीशन का जो आदेश हुआ है, कोर्ट कमीशन कमिश्नर वहां जाएंगे, पूरी वहां की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के साथ साथ जितने भी किन, किन किताबों में साक्ष्य मिलते हैं, आपने तमाम साक्ष्य अदालत के सामने रखे थे, वो कौन सी किताबें और क्या साक्ष्य हैं? जितनी भी किताब है, चाहे मासे आलमगीरी हो, चाहे साकी मुश्ताक खान की, चाहे ओतलबा की तारीख यामनी हो, चाहे यमुना सरकार की किताब हो, जितने भी भारतीय इतिहासकार हैं, विदेशी इतिहासकार हैं, सब में उसका वर्णन आया है, और सब में बिल्कुल क्लियर स्थिति है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की, और कोर्ट कमीशन के बाद अद्भुत आदेश आ गया है। आज खुशी का दिन है, प्रत्येक सनातनी की जीत है ये। देखिए, जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आज इस जो अदालत का आदेश आया है, हिंदू पक्ष में सुबह से ही हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा उम्मीदें थी, कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे। सुबह भी आपकी बात हुई साधु संतों से, आप खुशी भी लोगों के चेहरे पर देखी जा रही है, लेकिन वहीं दूसरे पक्ष से भी क्या आपकी बातचीत हुई है, उनकी तरफ से किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि सर्वे को लेकर पहले भी हमने देखा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई थी, अब इस सर्वे के फैसले को वो किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, अभी अब मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार हैं, शाही ईदगाह के जो सचिव, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने अदालत का जो आदेश आया है उससे पहले हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अदालत के आदेश को आने दीजिए, अब लिहाजा अदालत का आदेश आ गया है, उसके बाद हमने उनसे बातचीत करी है, तो उन्होंने कहा है कि अदालत का जो आदेश आया उसका वो सम्मान करते हैं, और उस सम्मान के बाद जो भी हमारी जो शाही ईदगाह की कमेटी है वो उसको तय करेगी कि इस आदेश के जो है खिलाफ में उसकी अपील करनी है या नहीं करनी है, या उसके उसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि शाही ईदगाह लगातार इस बात का विरोध करती रही है, और उस शाही ईदगाह जो कमेटी है मुस्लिम पक्ष है, उसके द्वारा कहा गया है कि 7 Rule 11 का जो मामला है उसके तहत इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदू पक्षकारों के जो वाद है वो उनकी पोषणीयता पर ही निर्धारित होनी चाहिए कि उनका वाद चलने योग्य है या नहीं है, तो लिहाजा कहा जा सकता है एक बार फिर आदेश आया, और इस आदेश के खिलाफ जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो शाही ईदगाह जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो जा क्या सकता नितिन है, सपोर्ट में नजर आ रहे हैं इस सर्वे के? क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब ज्ञानवापी के एसआई सर्वे का जिक्र हुआ, कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो उसके खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या किसी और कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी तो नहीं है दूसरे पक्ष की? और हरिशंकर जैन हमारे साथ में जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हरिशंकर जैन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर, और जो फैसला आया है वो हिंदू पक्ष में आया है, जिसके बाद में हम लगातार वो तस्वीरें भी देख रहे हैं कि एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, कोर्ट में हम लोग का मेन दायित्व होता है एज वकील कि सच्चाई सामने आवे, और न्यायाधीश का कर्तव्य होता है कि सच्चाई सामने आवे, और सच्चाई जो है वो उसके हिसाब से जजमेंट लिखे। तो क्योंकि हमारा मजहब जो है वो देश के संविधान को ही मानता है, हम संविधान पे विश्वास करते हैं, इसलिए संविधान ने जो कुछ कहा है वो अच्छी बात है, जांच होगी, होना चाहिए। क्योंकि आप बाबरी मस्जिद के भी पैरोकार रहे हैं, आपने इससे पहले भी कई चीजें बनते बिगड़ते देखी है, क्या लग रहा है किस हद तक ये सही है? क्योंकि जो सर्वे है, क्या लगता है कितना स्पष्ट कर देगा चीजों को? देखिए, सर्वे जब होता है तो सारी चीजें सामने हो जाती हैं। हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हिंदुस्तान पे विश्वास करते हैं, कानून पे विश्वास करते हैं, तो हमारा तो यही मकसद है कि सरकार जो 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 फैसला जो है सही हो, जो साबूत हो, गवाह हो, साबूत हो, उसके साथ में फैसला होना चाहिए, उसी पे हम विश्वास रखते हैं। अगर सर्वे के लिए जो है कोर्ट ने कहा है तो सर्वे होना चाहिए। तो क्या लगता है इस बात पे भी आप मानते हैं कि अगर सर्वे होगा तो चीजें जो सही है, जो तथ्य है वही सामने आएंगे? देखिए, हम तो सारी चीजों को सही मान। तो देखिए, रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, प्लीज बात कंप्लीट कीजिए आप अपनी। तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आप ये दो तस्वीरें देखिए, जहां पहली तस्वीर में लोगों में खुशी देखी जा रही है, 18 तारीख जो कि अगली तारीख है, और 18 तारीख को ये तय होगा कि आगे के सर्वे में कितने लोग शामिल होंगे और किस तरह से सर्वे हो रहा है। तो जो तमाम बातें हिंदू पक्ष की तरफ से कही गई थी कि सर्वे में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, मंदिर के नीचे अवशेष होने का दावा किया गया था, शेषनाग की छवि का भी दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था। शाही ईदगाह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर
जो सर्वे को लेकर आज कोर्ट ने फैसला दिया है, मुझको लगता है पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की अयोध्या में भव्य दिव्य नव मंदिर निर्माण कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन आज कोर्ट का फैसला बहुत सुंदर है, बहुत सराहनीय है, जिससे मुझको लगता है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण भी अब संभव हो पाएगा। क्योंकि सर्वे में जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष इसलिए भग रहा था कि सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसके नाते सर्वे के लेकर अनुमति जो मिला है, अब तत्काल फैसला भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए भी आएगा, इसके लिए बड़ी गर्व की बात है। अयोध्या से हमारे साथ में मेनका जुड़ गई हैं और साथ ही हमारे साथ में न्यूज रूम से अमित गर्ग शुक्ला जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अयोध्या चलते हैं, मेनका हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। मेनका, लोगों को काफी ज्यादा इंतजार था बेसब्री से 2 बजे का, और 2 बजे जो फैसला आया वो हिंदू पक्ष में है, सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या में किस तरह की आप तस्वीरें देख रही हैं, किस तरह की खुशी मना रहे हैं लोग वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ही शुभ दिन की तरह आप इसे ले सकती हैं, क्योंकि एक तरफ अयोध्या में बहुत तेजी से काम चल रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ ये एक अच्छी खबर आई है हिंदू पक्ष की ओर से। और जैसे ये खबर यहाँ पर आई है, लोगों में और ज्यादा उत्साह है, और इनका कहना है कि इनका इंतजार जो है वो अब लगता है खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, और दूसरी तरफ शाही ईदगाह जो विवादित परिसर है उसका सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये आदेश आ चुका, फैसला आ चुका है, शाही ईदगाह जो विवादित स्थल है उसका भी सर्वे होगा, यानी काशी के बाद अयोध्या के बाद अब मथुरा। मथुरा में हमारे इलाहाबाद कोर्ट ने जो है बड़ा दिल दिखाया है, और बाकी इस जो उन्होंने फैसला सुनाया, हम हिंदू धर्म अपने दिल अपने हृदय से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी ये जो मुमकिन है, ये हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, ये है तो ये मुमकिन है। मैं शुक्रिया दिल से अपने मोदी जी और योगी जी का करना चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे, मथुरा में वैसे भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अब जो एक विवादित बात है वो भी खत्म हो जाएगी, इसकी शुरुआत इससे देखते हैं। तो अच्छी बात है जी, लेकिन खत्म हो जाएगी, जो भी है हमारे योगी आदित्यनाथ जी की वजह से सब कुछ संभव हो पा रहा है, और बस इतना ही कहना चाहूंगा। और बात सर्वे होना चाहिए के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आगे भी आने वाली जो कीमती वोट है हम अपने बीजेपी को दो। नहीं, अच्छा ठीक है, ये आपके मन की बात है, सर्वे होना चाहिए अदालत की ओर से। हम चाहते हैं जिस तरीके से अयोध्या राम भूमि बनी है ना, ऐसी तरीके से मथुरा में भी मंदिर बने, भव्य मंदिर मथुरा में बनना चाहिए, और मोदी और योगी के होते हुए बन सकते हैं। बाबा भी हमारे साथ हैं, अब मथुरा में भी, बाबा मथुरा में जो शाही ईदगाह है उसका सर्वे होगा, अदालत ने फैसला दे दिया, वहां पर भी एक अदालती लड़ाई लड़ी जा रही है, जैसे अयोध्या में भगवान राम ने लड़ाई लड़ी और जीते, मथुरा में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसा है, हमारा ये कहना है, जैसे मथुरा की बात है, ये विष्णु जी जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं ना, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, सरकार तो उनका सपोर्ट करती है, हम विष्णु जी का भी क्यों, वो राम मंदिर का भी लड़ा, काशी विश्वनाथ का भी लड़ा, अयोध्या भी लड़ रहे हैं, और इसका तो देखिए अयोध्या में भी लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखी जा रही है। मेनका लोगों से बात भी कर रही थी, और साथ ही जिस तरह से वो अपनी इजहार कर रहे हैं खुशी का। मैं था, अगर आपके अंडर में कोई मकान है, आप उसमें जो मर्जी अंदर करो, बंद करके दरवाजा, उसको तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर जो ओपन जो SIT जो गठित की है, वो जो उसकी 80 की जो रिपोर्ट आएगी वो 100% हमारे हक में आएगी, मथुरा का भी हम जीतेंगे केस 100%, और जब तक योगी और है और मोदी जी हैं, मुमकिन है सब कुछ, इसके बाद हम आगरा भी छेड़ेंगे, ये नहीं है अभी मथुरा का छेड़ने के बाद और नहीं छेड़ेंगे, जितने हमारे हिंदू स्थान है उन्होंने तोड़ तोड़ के उसके ऊपर वो किया है, वो सभी तोड़ेंगे एक एक वन बाय वन। ठीक है, तो सुना आपने कि अब बहुत ज्यादा उत्साह मथुरा को लेकर, शाही ईदगाह को लेकर, इलाहाबाद के इस फैसले को लेकर, इनका कहना है कि अदालती लड़ाई के जरिए जिस तरह से भगवान राम ने अपनी लड़ाई जीती है, भगवान राम के हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं ने लड़ाई जीती है, अब श्री कृष्ण भूमि पर भी वही लड़ाई जो शुरू हो चुकी है जीत के रास्ते पर ही है। तो याद होगा कि जब अयोध्या का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उस वक्त एक नारा दिया गया था कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब आप इसे शुभ संयोग कह सकते हैं कि एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, तो वहीं दूसरी तरफ हम बात कर ले काशी की, या फिर हम बात कर ले मथुरा की,
जो फैसले जिस तरह से आ रहे हैं उसमें बार बार हिंदू पक्ष की जीत हो रही है, और जो नारा उस वक्त दिया गया था, जो बातें उस वक्त कही गई थी, वो कहीं ना कहीं सच होती हुई भी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही तो इंतजार श्रद्धालुओं को है, यही इंतजार है कि ये जो बात है कि काशी मथुरा और मथुरा काशी के बाद अब मथुरा काशी की लड़ाई चल रही है। मथुरा में अदालत ने आदेश दे दिया शाही ईदगाह विवादित स्थल उसका सर्वे हो। मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार कहा जा रहा था कि सर्वे ना हो, वहां पर वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन अदालत ने इसे पोषणीयता का माना और कहा कि सर्वे हो। कोर्ट कमिश्नर जिस तरह से ज्ञानवापी में सर्वे हुआ वैसा ही सर्वे यहाँ भी हो मथुरा में। ये मैम जो कहा जा रहा है तो मैम इसके मतलब कुछ अलाउ नहीं किया जाएगा। जो लोग बोले जा रहे हैं कि ये क्या है फलनवा ढिकनवा दुनिया भर का, लेकिन इतना जानते हैं जो मंदिर के हक में है उसे सुनिश्चित किया जाए, और जब तक योगी और मोदी जी हैं तब तक सब कुछ मुमकिन हो सकता है। जी सुना आपने, बहुत उम्मीदें हैं इन्हें भी। मथुरा ईदगाह उसका सर्वे होगा, ये पता लगाया जाएगा कि असली जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि वही है या नहीं है। राम जन्मभूमि है, इसका असली राम जन्मभूमि यही है, और योगी मोदी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा भी अब मथुरा की लड़ाई भी अब लड़ेंगे और जीतेंगे, और ये यहाँ पर लोगों का कहना है, और इंतजार खत्म हो जाएगा। जो एक्चुअल जमीन है जहाँ पर एक्चुअल कहा जाता है, वो जगह जहाँ पर श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, कारागार का वो कमरा जहाँ पर उन्होंने अवतार लिया था, वो कमरा जो अब विवादित स्थल की तरह है, वो विवाद भी खत्म होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये आदेश बहुत बड़ा आदेश है, फैसला तो पहले ही ले लिया गया था लेकिन सुरक्षित रखा था अदालत ने, अब आज फैसला सुना दिया है अदालत ने, तो लोगों का उत्साह बढ़ा है, श्रद्धालुओं का, और उम्मीद भी बढ़ी है कि अब शायद असली जगह पर भविष्य में भव्य मंदिर देखने को मिले और वहां पर बेरोक टोक पूजा होती रहेगी। बिल्कुल मेनका, और देखिए एक लंबा इंतजार किया है, भले ही हम बात कर लें अयोध्या की, ज्ञानवापी की बात कर लें, एक लंबी लड़ाई रही है, लेकिन हमने देखा कि अयोध्या की लड़ाई पूरी हो चुकी है और हिंदू पक्ष वो लड़ाई जीता भी, और साथ ही ज्ञानवापी की हम बात कर ले तो वो लड़ाई अभी चली रही है, और कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद से जो मथुरा की लड़ाई है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब फैसला क्या आता है, सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा। सर्वेश दुबे हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, एक बार सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश जरा तस्वीरें आप दिखाइए प्रयागराज की, में किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, क्योंकि मथुरा की बात कर ली जाए, अयोध्या की बात कर ली जाए, तो लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। आप प्रयागराज की तस्वीरें दिखाइए। देखिए मैं प्रयागराज की बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हिंदू पक्ष के जो वकील हैं श्री कृष्ण विराजमान की ओर से, सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन का यह कहना है कि 25 सितंबर को जब से उन्होंने ये सूट फाइल किया था, ये अर्जी दाखिल की थी, उसके बाद से लगातार इसकी जो सुनवाई हुई थी, और 16 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया था। आज जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने इसमें ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत जो अर्जी दाखिल की गई थी, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर शाही ईदगाह और श्री कृष्ण विराजमान का जो विवाद है उसको लेकर सर्वे कराए जाने का। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट कमिश्नर वकील को नियुक्त किया जाता है और सर्वे जो है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जरिए कराई जाती है, और वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होती है, उसी की मांग की गई थी और आज कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया है। और उसके मंजूर करने के बाद कोर्ट ने यह कहा है कि अब 18 दिसंबर को यानी कि 4 दिन बाद इसकी सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद कोर्ट इस पर आगे का फैसला लेगी कि कौन। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राज्यसभा से सांसद है। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर, और हाईकोर्ट का फैसला आ गया है सर, बधाई पहले तो आपको, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं हिंदू पक्ष काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है, आपका रिएक्शन? नहीं देखिए, देखिए पहला तो मैं आपको एक स्पष्ट करूं कि जो भी न्यायालय का निर्णय होता है वो स्वागत योग्य ही कहा जाता है, क्योंकि माननीय न्यायालय एक ऐसा पक्ष है, न्यायिक प्रक्रिया भारत का अंग है, कि उस पर शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जो न्यायालय ने निर्णय दिया है उसका स्वागत ही किया जाना चाहिए सभी के द्वारा, और न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। ये प्रारंभिक दौर है, एक प्राथमिक अवस्था है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के जब सुनवाई हो रही थी
उस समय भी इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया गया था, काशी विश्वनाथ के बारे में भी इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया गया था। जिसे कोई निर्णय में पहुंच गया है कोई ये नहीं कहा जा सकता। न्यायालय हमेशा निर्णय देता है साक्ष्यों के आधार पर, और साक्ष्य बगैर सर्वे के प्राप्त नहीं हो सकते। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ वहां की वस्तु स्थिति क्या है उसके बारे में बगैर सर्वे के कोई निर्णय न्यायालय नहीं ले सकता है। अगर कोई पक्ष अपनी आशंकाओं को व्यक्त करते हुए न्यायालय से गुहार करता है, अपील करता है कि आप इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएं, तो निश्चित रूप में न्यायिक प्रक्रिया अपनी निष्पक्षता के साथ उस प्रक्रिया को अपनाती है। आज का निर्णय उन्हीं सारी संदर्भों के अंतर्गत आया है। इसमें ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी का आपत्ति जाहिर की गई थी। इससे पहले आपको याद होगा कि ज्ञानव्यापी के दौरान में भी हमने देखा कि सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया एक पक्ष। आप जो कह रहे हैं उसका स्वागत हिंदू पक्ष क्यों कर रहा है, इसके पीछे आप सर क्या वजह देखते हैं कि बार बार सर्वे को नकारा जाता है, मना किया जाता है? मैं आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। आप अगर पूरी बात सुनेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मैं जो कह रहा था ये यही कि न्यायालय अपने निर्णय को सभी पक्षों को संतुष्ट करने के उपरांत अपना निर्णय देता है, और जिसके साक्ष्य अच्छे होते उसके पक्ष में देता है। जब भी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में, लेकिन सब 18 तारीख को ये भी तय हो जाएगा कि क्या आगे की प्रक्रिया रहने वाली है। इसके अलावा कौन कौन शामिल होगा टीम में जो सर्वे करेगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और साथ ही सर